इट ब्रोक, तो जो स्ट्रॉ थी वो शू का, जो जूते का भार नहीं सह पाई और वो स्ट्रॉ जो है बीच में से टूट गई। द शू फेल इन टू द वाटर विद अ लाउड स्प्लैश, जूता था वो बहुत तेज़ी से पानी के अंदर गिर गया, एक बहुत स्प्लैश करके शोर मचाया। स्प्लैश मतलब जब हम पानी में कोई चीज़ फेंकते हैं तो स्प्लैश पानी उछलता है ना, फिर वो आवाज़ बनाता है, उसे स्प्लैश कहते हैं। द बबल शूक एंड शूक विथ लाफ्टर एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग, बबल को इतनी हंसी आई ये देख के कि वो हंसते हंसते धूझने लग गया और वो फिर बर्स्ट मतलब फूट गया, फिर बबल फूट गया एक बड़ी सी आवाज़ निकाल के, बिग बैंग बड़ी सी आवाज़ बैंग आवाज़ निकाल के वो जो बबल है वो फूट गया। ओके, सो इस चैप्टर में हमने क्या देखा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक बार जो बबल स्ट्रॉ और शू तीनों साथ में रहते हैं, तो एक बार वो जंगल के अंदर जब वो गए, वो एक नदी के पास आए, उन्हें नदी पार करनी थी पर उनको ये नहीं पता था कि नदी पार कैसे करते हैं। तो किसी ने सजेस्ट किया कि क्या करते हैं, किसी ने कहा कि तो स्टोरी के अंदर ये होता है, किसी ने सजेस्ट किया कि हम क्या करते हैं, बबल के ऊपर चढ़ के नदी पार कर लेते हैं। तो ये शू ने कहा कि हम क्या करते हैं, बबल के ऊपर चढ़ के नदी पार कर लेते हैं। तो किसी ने कहा कि नहीं शू, ऐसा नहीं करते हैं हम, बबल के ऊपर नहीं करते हैं, स्ट्रॉ जो है वो ऐसे लग जाएगा, एक छोर से दूसरे छोर तक अपने आप को स्ट्रेच कर लेगा और हम फिर नदी पार कर लेंगे। पर हुआ क्या, जैसे ही जूता स्ट्रॉ के ऊपर चढ़ा, स्ट्रॉ टूट गई और जूता नीचे गिर गया और बबल हंसते हंसते फूट गया। तो ये स्टोरी थी। तो हम इसके आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो नेक्स्ट लेसन में करेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया तो मुझे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट करके